कंट्रीज है। डावोस में एक सप्ताह के लिए इकट्ठा हुआ। डावोस स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा शहर है जहां पे दुनिया के सबसे अमीर लोग इकट्ठा होते हैं सप्ताह भर के लिए, और वहां पे ये तय करते हैं कि पूरी दुनिया से मुनाफा कैसे कमाया जाए। और वो ये बैठ कर तय करते हैं बंद कमरे में, और उस बंद कमरे में जो तय होता है उसकी जानकारी शायद हम आम लोगों को नहीं होती है, लेकिन वहां उस डावोस से, उस फोरम से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है, वो एक सप्ताह जो बातें होती है उससे हमारा पूरा साल प्रभावित रहता है, क्योंकि जो नीति निर्माण वहां बनता है वही वहां की सरकारें वापस जा करके, वो अमीर लोग वहां की सरकारों को वैसे ही चलवाते हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद होता है सरकार की मदद से प्रॉफिट कैसे कमाया जाए और सरकार को कैसे शामिल किया जाए। एक डेटा है जो बार बार बात हो रही है कि दुनिया के अगर पूरी दुनिया के अगर पांच अमीरों और उनके धन को एक साथ रख दिया जाए, मतलब गिन लिया जाए, और रोज वो $1 मिलियन, मतलब $1 मिलियन का मतलब होता है $10 लाख रोज खर्च करेंगे, तो भी उनको 476 साल लगेगा वो पैसा खत्म करने में। 476 साल, मतलब अगर सिर्फ पांच पूरी दुनिया के पांच अमीर सारे धन मिला दे रोज $1 मिलियन $10 लाख रोज खर्च करेंगे तो 476 साल लगेगा। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी मानवता उन्होंने खड़ी कर रखी है अपनी। कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी, आप बराबरी नहीं कर सकेंगे, और फिर वो मिलकर तय करते हैं और कहते हैं कि और भी प्रॉफिट कमाना है। अरे भाई कब तक, सवाल वही है, कब तक आप मजदूरों के, दलितों के, वंचितों के, पिछड़े हुए लोगों के, या जो जो बिल्कुल हाशिए पे रह रहे हैं उनसे निचोड़ के कब तक कमाते रहोगे, और कब इनको क्या मिलेगा। इसलिए कहते हैं हम लोग कि पूरे डावोस में और वहां भी और यहां भी हर जगह हम कह रहे हैं कि जो रिच है उनको टैक्स करो, गरीबों को टैक्स मत लगाओ, क्योंकि गरीबों से जितना ले चुके हो उतना ही पर अगर तुम खर्च करना शुरू करोगे, उसका बराबरी, उसका भरपाई करना शुरू करोगे, तो भी तुमको बहुत साल लगेंगे। इसलिए डावोस में जो जा सकते थे, जो लोग वहां पहुंच सकते थे संगठन, वो वहां पहुंचे हुए हैं, वो अभी वहां पे उसी इकोनॉमिक फोरम में, उसी जगह पे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम आज यह आवाज बुलंद कर रहे हैं और हमारी आवाज यहीं से डावोस जाएगी, और ये हम आपको इसीलिए यहाँ पे आपको आए हैं और आमंत्रण दे रहे हैं कि अभी हम यहाँ कमरे से बाहर निकलेंगे। और आप लोग जानते ही हैं सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है कि हम खुल करके बाहर हवा में आवाज भी नहीं लगा सकते हैं, वो परिस्थितियां हैं, फिर भी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, हॉल में जाए, बाहर मैदान में जाएंगे, और हमने छोटा सा एक सॉलिडारिटी कि वहां के लोग आप खड़े रहिए, हम भारत से खड़े हैं, ये एक मैसेज, एक संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश हम बाहर देंगे। और कैंडल है और कुछ पोस्टर वगैरह है, हम लेकर के पीसफुल तरीके से, शांतिमय तरीके से बाहर इकट्ठा हो, और हम नारे लगा सकते हैं, इतनी लगाएं कि हम सुन सके, और बाहर न भी जाए तो मतलब यहाँ चल सके, हम कर सके, हम गाने गा सकते हैं, हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये समय होता है, ये खासकर ये वीक कि अगर दुनिया के अमीर के अमीर दुनिया के सारे अमीर मिलकर के अगर अपनी प्रॉफिट का, अपनी वर्चस्व का सेलिब्रेशन कर सकते हैं, तो कम से कम दुनिया के सारे वंचित लोग मिलकर के एक साथ अपने अधिकारों की मांग को करते कर सकते हैं, और खुश भी हो सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली बहुत बड़ी मानवता के लिए है, वो कुछ खास गिने चुने लोगों के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए है। तो आप सब आमंत्रित हैं, कृपया बाहर आए और हम सब बैठ कर इस पर बात करें। थैंक यू सतेंद्र भाई। एक सेकंड निर्मल जी, कल के बारे में थोड़ा सा एनाउंस कर दीजिए। थोड़ा सा सत्या भाई नेशनल यूथ इक्विटी फोरम और फाइट इक्वालिटी कैंपेन से जुड़े हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, इनके लिए ताली बजा कर स्वागत करें। तो साथियों, कल की बात शुरू करूं पर आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर केवल एक मिनट में एक बात बोलना है। हम सब लोग देश के अलग अलग कोनों से, अधिकांश यहाँ दिल्ली के साथी भी थे, और लगभग 200 साथियों ने साइन करके दिया है, इसका मतलब 200 प्रतिभागी रहे। हम सब लोग आज पूरे दिन का ये निचोड़ लेके जा रहे हैं,
कि हम लोग ये वर्किंग पीपल चार्टर को लेकर लगातार लगातार 2014-15 के बाद एक्टिव हो गए। हमको अभी सबसे महत्वपूर्ण काम ये करना है, अगर हम 2024 के बारे में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिस जिस व्यक्ति को आप देखते हैं जो जमीन के ऊपर काम कर रहा है मजदूरों को लेकर, किसी भी ट्रेड को लेकर, हम पहले उनको आइडेंटिफाई करें, चाहे वो 50 लोगों का ग्रुप भी है, 20 लोगों का ग्रुप लेके भी काम कर रहा है, उसको पहले हम नोट कर लें, लिख लें वो व्यक्ति, उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर एड्रेस क्या है। हर एक व्यक्ति के पास में ऐसे व्यक्तियों का बैंक होना चाहिए। मैं कोटा में हूं, मैं छत्तीसगढ़ में हूं, तो मुझे मेरे जिले में कौन कौन एक्टिव है, किस मुद्दे पे काम कर रहा है, नाम मोबाइल नंबर, बस इतना सा रखिए। फिर उन सबको मिलाकर हमको फिर से एक बड़ा एक और कन्वेंशन का सोचना पड़ेगा। जब तक हम इनकी पहचान नहीं करेंगे तब तक हमारी सॉलिडिटी, हमारी मजबूती नहीं बन पाएगी। हम ही लड़ते रहे, हम ही बात करते रहे, उससे बात बनने वाली नहीं है। नहीं तो 2015 से लगाकर 24 हो गया, हम नहीं कुछ कर पाए। अब जरूरत है हमको जमीन पे छोटे पॉकेट्स में काम करने वाले युवा साथी को आइडेंटिफाई करना है, एक साथ लेके चलना है और इस 2024 की इस लड़ाई को हमको जीतना है। दूसरा, कल हम लोग जो यहाँ पर पूरे दिन कार्यक्रम और चर्चा करने वाले हैं, हर एक प्रतिभागी और एक व्यक्ति से जुड़ा मुद्दा कि घेर बराबरी हो रही है, इसको लेके पूरे दिन का हमारा पास में बैठक का एजेंडा है, वो हम आपको शेयर करेंगे। और जो जंतर मंतर पर सुबह हमने प्रोटेस्ट घोषित किया था कि हम लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, आज सुबह 4 बजे एक रिजेक्शन लेटर आता है मुझे, और पुलिस ने कल रात को ये हमें बता दिया कि फाइनली हम आपको करने नहीं दे रहे। कल रात में ही हमने हाई कोर्ट में एक लाइन लगाई और आज सुबह 10 बजे हाई कोर्ट में हमारा मैटर अर्जेंट मेंशन हुआ। जज ने कहा कि मैटर के ऊपर पुलिस को और सबको बुलाना पड़ेगा, इसलिए आपका मैटर कल सुबह 10 बजे सुना जाएगा। अब कल सुबह 10 बजे तो हमको जाना था जंतर मंतर, 26 जनवरी होने की वजह से वो बहाना मार के मुझे एक चिट्ठी सुबह 4 बजे व्हाट्सएप पे भेज दिया और लगातार पुलिस अभी कॉल कर रही है, मैं घर पहुंच रही हूं, वहां मैं उनको मिला नहीं। हम लोग कल ये प्लान करेंगे, इधर पूरे दिन का मीटिंग करेंगे कल 10 बजे से 5 बजे। कल अगर हमको कोर्ट सुनता है और थोड़ा सा भी कोर्ट कहीं सामाजिक न्याय को मानता है, हमारे मौलिक अधिकार को मानता है, तो हमारे फेवर में ऐसा फैसला देगा, मुझे विश्वास है। और हम लोग कल उसका इंतजार करेंगे, पूरे दिन मीटिंग करेंगे, अगर हमारे फेवर में आता है हम परसों सुबह कोर्ट से दरख्वास्त कर लेंगे कल ही कि परसों सुबह का मौका देते हमें 2 घंटे करने दें। फिर भी वो नहीं करने देता है तो हम कल पूरे दिन मीटिंग करेंगे और परसों सुबह जो हमको जंतर मंतर पे करना है वो हम यहीं पे करेंगे। इस प्रकार का ये जो सुझाव है वो तो हमारे कुछ साथियों के साथ बैठ के तय किया गया, मेरी तरफ से नहीं है। अगर आप सभी की सहमति है कि हम कल पूरा दिन मीटिंग करें, परसों को हम लोग कल कोर्ट का इंतजार कर लें और फिर परसों के हम लोग यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, अपने जो क्रांतिकारी विचारों को रखना है वो हम यहाँ पर रखेंगे। एक और है, बहुत सारे साथी आए हैं, जैसे साथी बोलना चाह रहे हैं और भी साथी बोलना चाह रहे हैं, उनको अभी इतना बात करने का समय नहीं मिला, पर कल हमारे साथी लोग बात कर पाएंगे। हम अपने अपने राज्य में गैर बराबरी को लेकर, चाहे आप डोमेस्टिक वर्कर पे काम करो, कंस्ट्रक्शन वर्कर पे काम करो, गैर बराबरी तो वहां पर भी, उसको जोड़ते हुए हम कल अपने मुद्दे को गैर बराबरी के साथ जोड़ के रखेंगे, उसका एक्शन प्लान बनाएंगे और फिर से अलग अलग जिलों में जाकर वहां पर इस प्रकार की आग को जलाएंगे। ये सारा कार्यक्रम हम सबका मिला जुला कार्यक्रम है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने गैर बराबरी को लेकर पिछले 1-2 महीना में जो अभियान छेड़ा है, उस अभियान की भी पूरी गतिविधियां यहाँ प्रस्तुत की जाएगी, एक्शन प्लान बनेगी, इसमें आप सभी साथियों का योगदान चाहिए, तो हाथ करके सहमति जताए कि हम सब लोग कल यहाँ पर पुनः वापस मिलेंगे। सुबह 10 बजे से हम लोग यहाँ पर मीटिंग शुरू करेंगे, शाम को 5 बजे तक मीटिंग करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं, जो जो साथी यहाँ बैठे हैं 5-10 मिनट के लिए उधर आएंगे, तो थोड़ा सा गीत के साथ